Kalpana, you're known as the original slumdog millionaire. आपको slumdog millionaire बुलाया जाता है. वो फिल्म आई थी ना, पर आप original हैं slumdog millionaire. जब आप अपनी शादी से निकल के bless your father जिन्होंने आपको rescue किया आई, तो आपने क्या सोचा था कि आप यहाँ तक पहुँचेंगी जहाँ आप पहुँची हैं? सिर्फ आपका बिजनेस नहीं, आप अपनी फाउंडेशन के द्वारा औरों को हेल्प करती हैं, तो उसके बारे में बताइए. मैंने कभी सोचा नहीं था, सोचने जैसा कुछ था भी नहीं. ना मेरे पास कोई एजुकेशन था, ना ही कोई ऐसा बैकग्राउंड था मेरे फैमिली से, क्योंकि मैं एक पुलिस हवलदार की बेटी थी, तो कोई बैकग्राउंड ऐसा था ही नहीं. पिताजी की 300 रुपये पगार है और उस पगार में बड़ी सी फैमिली है, और तो सोचने का तो कोई सवाल ही नहीं था. लेकिन जब शादी हो गई तो सोचा था कि शादी के बाद जैसे हर लड़की का एक सपना होता है कि उसका एक अच्छा घर हो, अच्छी फैमिली हो, लेकिन बदनसीबी वहाँ पर भी ठीक नहीं रहा. पिताजी वापस लेकर गए, स्कूल चली गई, पिताजी ने कहा किसी को, लेकिन वहाँ कर का भी सिचुएशन इतना बुरा था जिसकी वजह से मुझे आखिर में पॉइज़न लेना पड़ा. पॉइज़न लेने के बाद भी मैं मर नहीं सकी, डॉक्टरों ने बचाया. और तब भी लोगों ने आके यही पूछा कि क्यों तुमने ऐसे किया, अगर तुम मर गई होती तो लोगों ने कहा होता कि महादेव की बेटी ने ज़रूर ऐसा कुछ किया होगा जिसकी वजह से उसे मरना पड़ा. तो ये बात दिल की गहराई तक मेरी पहुंच गई और मैंने सोचा कि नहीं, मरना ये इसका कोई आंसर नहीं, तो मुझे जीना होगा और जी के कुछ करना होगा और कुछ करके दिखाना होगा. और उस वक्त से फिर मैंने अपनी स्ट्रगल शुरू की और मैंने सिलाई सीखी. आखिर मैंने कुछ नौकरी करने की कोशिश की, सरकारी नौकरी, लेकिन उसमें वो मिल नहीं सकी क्योंकि मेरे पास ना तो उतना एजुकेशन था, ना ही मेरी उम्र उतनी थी. तो फिर मैंने सोचा सिलाई सीख लेते हैं ताकि सिलाई से मैं कुछ ब्लाउज़ वगैरह सिलूँगी तो मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, और इसी कारण मैंने वो सीखा. लेकिन गांव में वो भी मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं कहा कि मुंबई आऊँगी. फिर यहाँ मैंने होजरी कंपनी में काम किया, सनमिल कंपाउंड में काम किया, और सोचा कि बस यही ज़िंदगी है, क्योंकि बस मतलब मुझे नौकरी तो मिल ही गई है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं बस. लेकिन इसी बीच मेरी बहन बीमार हो गई और वो ऑफ हो गई, और तब पैसों की अहमियत क्या होती है तब मुझे समझ में आई. तो आपने रियल एस्टेट में कैसे सोचा आने को? रियल एस्टेट सबसे पहले आपका एक बिजनेस बड़ा था. yes. क्योंकि उस वो पुरुषों ने डोमिनेट किया हुआ है और डोमिनेट करते रहे हैं, तो आप कैसे एक ऐसे प्रोफेशन में आई जहाँ पुरुष डोमिनेट करते हैं? ये हुआ कि जब मेरी बहन मर गई और जब मुझे एहसास हुआ कि मुझे पैसे होने चाहिए, तो मैंने सरकारी लोन लिया 50,000 का. लोन के बाद में मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसी के साथ साथ मैंने अपनी एक संगठन शुरू की, क्योंकि मुझे ये पता था कि बहुत सारे जो यूथ है उनको नौकरी सरकार दे नहीं पा रही है, क्योंकि सरकार के पास है ही नहीं तो देंगे कहाँ से. तो फिर इस यूथ का भी वही होना चाहिए जिस तरह से मैंने लोन लिया और मैं बिजनेस में आई, तो वो लोग भी आना चाहिए. तो इस तरह से फिर मैंने एक संगठन की और फिर सरकारी जो योजना है वो उन तक पहुंचाई. तो इस तरह से लोगों में मेरी एक अच्छी इमेज बन गई, लोग कहने लगे कि ये लेडी जो है ये अच्छा काम करती है. तो जिसके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं मेरे पास आते थे. तो इसी बीच एक प्लॉट था वहाँ पर जो लिटिगेशन में था, तो लिटिगेशन वाला प्लॉट भी वो मेरे ही पास लेकर आ गया कि मैडम इस प्लॉट को आप ले लो, और मुझे जो है उस पैसों की सख्त ज़रूरत है, कुछ 2.5 लाख रुपये समथिंग वो कह रहा था कि 2.5 लाख रुपये में मैं आपको देना चाहता हूँ. एक्चुअली इसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन लिटिगेशन में होने की वजह से मैं 2.5 लाख में दे रहा हूँ. तो मैंने कहा मेरे पास तो 2.5 लाख रुपये नहीं है. तो बोला ठीक है, 1 लाख जस्ट मुझे दे दो, मेरा काम निकल जाएगा, 1.5 मुझे बाद में दे देना. तो मैंने सोचा चलो ठीक है, क्योंकि मेरा थोड़ा अच्छे से लाइनअप हो गया था. तो मैंने उसको 1 लाख रुपए अरेंज करके दे दिया. और वो प्लॉट जब मैंने लिया, उसमें बहुत सारे लिटिगेशंस थे, वो लिटिगेशन निकलने के लिए काफ़ी टाइम लगा, लेकिन जब लिटिगेशन निकल गए तो वही प्लॉट 50 लाख रुपए का बन गया. जो 2.5 लाख का था वो 50 लाख का, क्योंकि लिटिगेशन निकल गए. लेकिन जैसे कि आपने कहा कि वो तो पुरुष, और हमारा देश पुरुष प्रधान देश है और ये पुरुषों का ही काम है जो बिल्डर वगैरह बने. और ये 99 की बात है जिस वक्त मतलब महिलाएं बहुत ज़्यादा आगे आकर कुछ काम भी नहीं कर रही थी, उस ज़माने में मेरा बिल्डर बनना यकीनन बहुत बड़ा जो समाज है, जो लोग हैं, उनको तो बड़ा तकलीफ वाला था. तो इन लोगों ने मेरे नाम की सुपारी भी दे रखी थी कि ये महिला जो है बहुत ही ज़्यादा आगे चली जा रही है, तो ये कैसे क्या बिल्डर बन सकती है, ऊपर से दलित है, एक तो महिला है, तो दो मेरे निगेटिव पॉइंट उन लोगों की नज़र में थे, और इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे खत्म कर देना चाहिए.
तो 5 लाख रुपए की मेरी सुपारी दी गई, लेकिन हुआ ये कि जिस वक्त वो सुपारी की बात हो रही थी, जो मीटिंग हो रही थी, उसमें एक शख्स बैठा हुआ था, जहाँ उसके शख्स के फैमिली में कहीं मैंने किसी बच्चे को लोन लेकर दिया था और जो उनकी फैमिली सही ढंग से चल रही थी, तो उसको बड़ा बुरा लगा कि ये क्या हो रहा है, बेचारी महिला इतना अच्छा काम करती है और इसको क्यों मारा जा रहा है। तो वो मीटिंग जैसे ही ख़त्म हुई और वो मेरे घर आया और मुझे कहा कि एक काम कीजिए आप, मतलब चले जाइएगा यहाँ से, अपने गांव चले जाइएगा। चाहे सुपारी हो चाहे सुसाइड हो जी, आप कुछ भी लड़ सकती हैं। यस, तो आगे क्या लड़ाई लड़नी है? एक्चुअली मैंने बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी है, मुझे नहीं लगता कि अभी और कोई लड़ाइयाँ बाकी रहेगी, और मुझे कोई लड़ाई मेरे लिए मतलब मुश्किल नहीं है। मुझे मतलब क्योंकि मेरे काम करने का जज्बा, मेरे काम करने का जुनून इतना ज़्यादा होता है कि मुझे काम के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। जहाँ सुपारी दी जाती है, मुझे मारने की धमकियाँ दी जाती है, जब मैं उसको नहीं डरती, क्योंकि डर ये मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि मैं मौत को करीब से देख चुकी थी, मौत के करीब जा चुकी थी, मौत से बढ़कर तो और कोई डर हो ही नहीं सकता। जब उसका ही डर नहीं तो और किस चीज़ का डर हो क्या सकता है। इसलिए मेरी ज़िंदगी में कोई डर नाम की चीज़ नहीं, और इसीलिए हर चैलेंज को मैं स्वीकार करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। पैट्रिशिया, यू हैव शोन टू एवरी वुमन इन द वर्ल्ड दैट शी हैज़ अ स्किल। No woman today cannot say she has a skill. You used your cooking skill and you made a big business out of it. What are the challenges you experienced? And go back to where you were when you got married early against your parents' wishes. You were disowned by the family. And then you had to disown your husband for good reasons. What gave you the courage? What inspired you? Okay. We have to rewind about 35, 40 years back. And I was just a 17-year-old. I got married against the wishes of my parents. It was an intercaste marriage. So both the families were not accepting us. And it was like, till then I was in a upper middle class family and nothing was there. I mean, I had all the luxuries which a young girl had to have. But suddenly I found that I was on the crossroads and my husband was addicted to a lot of vices. That was a very rude shock. Drugs and alcohol, yeah. And my father was a total teetotaler. So I have not even come in close quarters of somebody who is in an inebriated condition. So it was a very rude shock. And not only that, like I was immediately after marriage, my ties with my parents had totally cut off. So they had required a lot of courage to leave him, dump him. I dumped them. But then my ego was that I didn't want to go back to them. I had to prove that whatever decision I took, I had to stand by that. And that was the time I realized that I was not going to get the support of my husband because he was not going to help me with doing anything. And I was in the crossroads, as you were telling her, I also went through the same thing. I mean, I think all women, we all, the minute we know that we are going to lose, the next thing is escapism. We think, why don't we end our life? So I also went through that, but then by then I realized that I was pregnant with my son, and I till today I speak to myself, I counsel myself. I said, no, I have no, I cannot destroy another living creature which is within me. So I decided I have to live. And then when I decided what am I going to do? I was very naive, very, very timid. I wouldn't talk to people. I was such a person. But then I was very... So what inspired you? What gave you the courage? That's what. One thing is my child. I had to live for him. So I could not go back to my parents. I had to live for my child. And what am I going to do? So when this what am I going to do came up, the best thing I knew was my cooking. That was my passion. That was my hobby.
So I said, let me, because I was not very well qualified to take up a very good job, or I was not even in a position to go and ask for somebody for a job. So I said, let me take up cooking. So and both of you said you weren't qualified. Aapke paas qualification nahi hai, education nahi hai. Par aapne to proof dono ne kiya ke qualification, schooling, college itna zaruri nahi hai. It is what? Determination, fight, what is it? Let's share with the audience. Where did your inspiration come from? Inspiration in that moment, I wouldn't say it was inspiration. That was spur of the moment. I had to live. I had to live for my child. That was my inspiration. I had a child and I owed you some. You also told me your inspiration came from within. That inspiration, now though, like when you ask, when people do ask me, who is your inspiration? How did you get into this business? I humbly say that there was no inspiration for me. Today when I go down, I'm not proud. I read my own story to get inspired because I've gone through so much in my life. So inspiration is that for me. So both of you have fought abuse, and the title of this session is Escape to Victory. How do you feel today? You answer and then I'll speak to her in Hindi. I'll tell you. Like when I went to get a contract for a catering in the central government organization, I just walked into the IAS officer's room. He looked at me and the first thing he said was, this is not a housewife's job. That was a blow. Like I never expected that. I was trying to tell him, no, as a woman, I will be able to handle the kitchen. He said, no, there are about 1,000-odd students here. You will not be able to manage that. I was very dejected. I came back home. But then favor and luck was on my side. In 3 months' time, they called the so-called male caterer quit, and they had to call me back. And I proved a point working there for more than 10 years. Till today, they speak about me. Any male caterer was not able to do that. So great. Terrific. Is jo ye panel hai, iska title hai Escape to Victory. Matlab aap victory ki aur hi dodi. Jabki aapko bahut you had to fight, aapko abuse ko fight karna pada. To aap yahan pe bahut se young people hain, unhe kya message dena chahengi? And many women experience child marriage, abuse from families and husbands. Aap unhe kya unko kya sandesh dena chahengi? मैं ये कहना चाहूँगी कि मुश्किलें जो है वो लाइफ में आती ही है. आसान कुछ भी नहीं होता है. कुछ भी छोटे से छोटा काम भी करने जाओ तो उसमें भी सारी मुश्किलें होती है. लेकिन मुश्किलों से लड़ना यही एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि मुश्किलों से लड़ोगे नहीं, आगे बढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा. उसके लिए आपके पास में हिम्मत का होना ज़रूरी है, आपके पास में मेहनत का होना ज़रूरी है, ईमानदारी और सच्चाई और लगन, ये सारी चीज़ें अगर आपके पास में हो तो यकीनन आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे, ये मेरा यकीन है. क्योंकि आप मुझे देख सकते हो, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं जीरो भी नहीं थी. जहां से मैं चली थी, यहां तक कि मुझे आत्महत्या तक के करना पड़ा, क्योंकि जीने के लिए कुछ भी मेरे पास नहीं था. उसके बाद मैंने जीना चाहा, कुछ करना चाहा, मंजिल तक पहुंचना चाहा, और आज मैं एक इंडस्ट्री की मालिक हूँ. आज 2 रुपये रोज़ से मैंने जहाँ काम किया, आज 2,000 करोड़ की मैं मालकिन हूँ. तो जिस मुंबई में मैं आई थी, मुझे रास्तों को देख के डर लगता था, क्योंकि इतनी बड़ी मुंबई, इतने बड़े बड़े रोड, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें. और फिर लोग डरने लगे आपसे कि आपके लिए सुपारी दी. आई एम वेरी प्रिविलेज्ड टू बी विद टू वुमेन हु हैव नॉट ओनली वन द वॉर बट वन द बैटल. And I think it is our honor to honor Kalpana Saroj and Patricia Narayan today with her awards. And I really do think they deserve a standing ovation because they're extraordinary women.